नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इवेलुएट, ये पार्ट वन है पार्ट टू है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों। एक रूल होता है क्या, a बाय b टू द होल पावर माइनस m। ध्यान दें बच्चे, a बाय b टू द होल पावर अगर माइनस m है ना, तो आप इसको पता है क्या लिख सकते हो, ध्यान सुन लो बच्चों, b बाय a टू द पावर प्लस m, यानी कि m कुछ नहीं करना है। ए बाय बी की जगह बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, बी बाय ए, और बस पावर का साइन चेंज कर देना, माइनस की जगह प्लस एम हो जाएगा, यानी कि प्लस एम का मतलब एम हो जाएगा। ठीक, सुनो एग्जाम्पल देखो इसके एक दो, ठीक। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल देख लो, मान लो लिखा है कहीं 2/3 टू द होल पावर माइनस 7 लिखा है, अरे भाई मान लो ऐसा है, ठीक है, तो क्या होगा, 2/3 है, होल पावर में क्या है माइनस 7 है, तो a बाय बी होल पावर माइनस m, तो इसको क्या करो, रेसिप्रोकल करो, 3 ऊपर 2 नीचे, ये लो 3 ऊपर 2 नीचे चला गया, और जैसे ही ऐसा करोगे माइनस 7 की जगह बस प्लस 7 लिख दो, बस खत्म, सिंपल है। ठीक, अब सुनो, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि अगर देखिए माइनस 1/1 लिखा है, नहीं ऐसा नहीं, देखो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, समझो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास लिखा है 2/-4, सुन लेना ध्यान से, ठीक। तो इसका मतलब भी क्या होगा, ये जो नीचे नेगेटिव लगा होता है ना, आप इसको आगे ऐसे लगा के और इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस, अब 2 1 2 2 1/2 -1/2, समझ गए मतलब, समझो। बस मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास ऐसा आ जाए कहीं 1/-1 आ जाए, तो इसका मतलब होगा 1/, अब ये वाला माइनस यहां से हटा के आप आगे भी लगा सकते हो और ऐसे लिख सकते हो उसको, ठीक, इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 1/1 हो जाएगा, या आप यहां से बोल सकते थे 1/1 होता है, और ये वाला माइनस क्योंकि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड लगाओगे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये लो। ठीक, ये बात समझ में आ गई, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं सवाल की तरफ, तो पार्ट वन लेते हैं सबसे पहले। पार्ट वन बच्चों क्या दिया उसने आपको, कर्ली ब्रेसेस ऑफ 1/3 होल पावर कितना है, माइनस 1 है, और माइनस 1/4 होल पावर कितना है, माइनस 1, और यहां कर्ली ब्रेसेस को क्लोज हो जाएगा, इसका होल पावर कितना है, माइनस 1 है, ये लो। ठीक, अब सुनो कुछ नहीं करना है, 1/3, ध्यान दे बच्चों, ये वाला जो लॉ मैंने आपको अभी अभी बताया था, ये वाला, ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा, 1/3 की होल पावर माइनस 1 है, अब बताओ कुछ नहीं करना है, 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, ये लो, और पावर में माइनस 1 था तो वो प्लस 1 नहीं हो जाएगा, यानी कि 1 नहीं हो जाएगा, बस, ठीक, ठीक, ओके। अब सुनो, तो यही काम मैंने यहां पे कर दिया, देखो 1/3 की होल पावर माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 3/1 होल पावर कितना हो गया 1, और माइनस ये वाला माइनस हमने यहां कॉपी कर लिया, ठीक, यही इसके साथ होगा 4/1, ठीक, होल पावर कितनी हो गई 1, अभी यहां कुछ मत कर देना, यहां ऐसे ही रहेगा, ठीक है बच्चों। अब सुनो एक बात आपको पता है कि पावर 1 हो उसको लिखो चाहे ना लिखो, यानी कि हो जाएगा 3/1, और 3 को 1 से डिवाइड लगाओगे तो 3 ही तो आएगा। इसी तरीके से 1/3 की होल पावर, नहीं 1/3 नहीं, 1/4 की होल पावर 1 है, तो किसी भी नंबर की पावर 1 होता है तो वापस वही नंबर आ जाता है, ठीक, और 1 नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो 4/1 के बारे में बताना है ना, चलो, तो अगर 4/1 की होल पावर 1 है, तो आप इसको पहले तो 1 हटा दो यहां से 4/1, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे 4/1 4 ही तो होगा, ठीक। तो इसका कहने का ये मतलब है बच्चों, 3/1 की होल पावर 1 ये 3 आ गया, और माइनस 4/1 की होल पावर 1 4 आ गया, और यहां पे माइनस 1 लगा हुआ है। अब ध्यान दें, अब खास बात है, 3-4 जब करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे ब्रैकेट के अंदर, 3-4 पता है 1 नहीं होता, माइनस 1 होता है, 3 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का बड़े नंबर का, तो आएगा माइनस 1, और इसकी होल पावर कितनी है, माइनस 1 है, ये लीजिए, ठीक, इतना हो गया। अब सुनो, इतना पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। अब बहुत ध्यान से चेक करना जरा, एक लॉ आपने पढ़ा हुआ है, क्या आपने पढ़ा हुआ है, 8^-m कैन बी रिटन एज 1/8m, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो बताओ, इसको मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूं इस लॉ की हेल्प से, तो माइनस 1 की पावर क्या है, माइनस 1 टू द पावर क्या है, माइनस 1। चलो देखो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, समझो, मैं इसको अब आपको यहां सॉल्व करके दिखा रहा हूं, -1 टू द पावर -1 है, अब समझो, देखो ये माइनस 1 है, तो ए की जगह क्या आ रहा है, -1, तो ये हो जाएगा 1/ ए की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, और ये जो पावर है -1 ये +1 हो जाएगी,
भाई जैसे माइनस एम प्लस एम हो गया वैसे माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो एट द पावर माइनस एम इज इक्वल टू वन अपॉन एट द पावर एम, सही है। अब सुनो यहां से हो जाएगा आपके पास वन अपॉन, ध्यान देंगे बच्चे ध्यान से सुनो, कई बार मैंने आपको बताया भाई किसी भी नंबर की पावर में अगर वन होता है जैसे टू की पावर वन तो टू ही आ जाएगा, माइनस टू की पावर वन भी माइनस टू ही आ जाएगा, तो माइनस वन की पावर में अगर वन हो तो बस ये पावर हटा सकते हो आप, माइनस वन ही तो आ जाएगा ठीक। यानी कि कहने का मतलब है ये जो माइनस वन की पावर वन है ये माइनस वन हो जाएगा, और अभी भी मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको आप माइनस वन लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो फिर बता दे रहा हूँ, वन अपॉन माइनस वन है तो इसको आप क्या करोगे ये वाला माइनस यहाँ लगा दोगे और वन बाय वन, वन बाय वन तो वन ही होता है ना, वन को वन से डिवाइड करोगे वन आएगा, लो माइनस वन हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है पार्ट वन का आपका वो कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ठीक, इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों, माइनस वन आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट टू करके दिखाता हूँ ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चे फटाफट, नोट कर लिया। चलो अब देखो, अब हम आते हैं इसके पार्ट टू पे। ओके स्टूडेंट्स चलो इसके पार्ट टू को करने के दो तरीके हैं ठीक, दोनों मैं आपको बता दूंगा। पहले इसका पहला तरीका देखो, पहला तरीका देखो फर्स्ट मेथड ठीक है, फर्स्ट मेथड देखो, ऐसा मैंने एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल भी कराया हुआ है, समझो क्या है क्वेश्चन, 5/8 टू द होल पावर कितना है -7 इंटू 8/4 टू द होल पावर कितना है -4। समझो अभी अभी मैंने आपको बताया था बच्चों क्या, कि अगर आपके पास a बाय बी होल पावर माइनस एम है तो आप इसको क्या लिखोगे, b बाय ए होल पावर क्या कर दोगे, m कर दोगे, सही है ना, b ऊपर a नीचे और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। क्या आप यही काम इसके साथ कर सकते हो, किसके साथ, 5/8 होल पावर कितना है -7 है तो उसको आप क्या कर सकते हो बताओ, 8/5 यानी कि 8 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, जैसे ही ऐसा करोगे तो -7 किस में आ जाएगा, +7 में, सही है। तो यही काम आप यहां कर दीजिए, लीजिए तो यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/5 टू द पावर, ये 8 ऊपर 5 नीचे और -7 की जगह +7, ये लो इंटू, अब ध्यान देंगे बच्चे इंटू, इसको ऐसे ही रहने दो 8/ अच्छा, एक मेरे से गलती हो गई है भाई, तभी तो मैं कहूँ ये क्या है 8/5 है ना, 8/5 की पावर -4, चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसको आप ऐसे ही रहने दो, यानी कि 8/5 टू द पावर -4। अब सुनो, अब आपको एक और लॉ पता होगा क्या, कि अगर आपके पास ऐसा है यानी कि a बाय बी टू द होल पावर m है ना, तो पता है ये पावर इसको भी मिलती है इसको भी मिलती है, यानी कि ये होता है 8^m/b^m, करेक्ट, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, तो ध्यान से चेक करो बच्चों। अब यहाँ a बाय बी की पावर हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ, 8/ क्या है आपके पास 5, होल पावर कितनी है 7 है, खुद सोचो, ये इसको भी मिलेगी और इसको भी, यानी कि 8^7/5^7, सही है। ओके तो क्या करोगे आप, ये पावर इसको भी दोगे इसको भी, है ना, इसको भी दोगे इसको भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 8^7/5^7 और इंटू, अब यही काम आप यहाँ कर दो, क्या दिक्कत है ठीक। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको आप 5/8^+4, भाई लिख सकते हैं लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर 8/8 दिखाई पड़ा ना, बेस सेम हो जाएगी पावर ऐड हो जाएगी, नीचे 5/5 दिखाई पड़ा बेस सेम हो जाएगी पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे ना ठीक। तो दिखाता हूँ मैं आपको, समझो देखो इसको आप क्या लिखोगे, 8^5 होल पावर -4 है, तो ये पावर इसको भी मिलेगी और इसको भी, यानी कि 8^-4/5^-4 हो जाएगा, सही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये पावर भाई इसको भी मिलेगी इसको भी ठीक, तो यहां से हो जाएगा 8^-4/5^-4। ओके अब सुनो, अब ये देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8^7 × 8^-4/ नीचे क्या करोगे 5^7 × 5^-4। अब सुनो, अब आपने पढ़ा हुआ है एक लॉ, कौन सा लॉ मैं आपको दिखाता हूँ, कौन सा लॉ, इन सबको मैं यहाँ छोटा कर दे रहा हूँ, समझो आपने बच्चों पढ़ा हुआ है क्या, a^m × a^n, मतलब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि a, आपने पढ़ा हुआ है क्या होता है a^m+n, सही है। तो बस यही रूल यहाँ पे लगा दूँ न्यूमरेटर में, क्या हो जाएगा ये 8^7 क्या हो जाएगा, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, 7 में हम क्या ऐड करेंगे -4 और डिवाइडेड बाय 5, 5 बेस सेम है पावर ऐड, यानी कि 5 टू
टू द पावर 7 और प्लस माइनस 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ कर दूँ, समझो 8 रेज टू द पावर, बच्चों ध्यान से चेक करना, ये 7 है तो 7 तो ऐसे रहेगा, और प्लस माइनस 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 4 हो जाएगा अपॉन में 5, और 5 रेज टू द पावर क्या है 7, 5 रेज टू द पावर क्या है 7, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये लो यहां से क्या होगा 8 रेज टू द पावर 7 माइनस 4 क्या होता है 3 होता है, और नीचे क्या होगा 5 रेज टू द पावर 7 माइनस 4 क्या होता है 3, तो 5 टू द पावर 3 हो जाएगा, ये लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। सो इतना पहले कर लो, वीडियो पॉज करके इतना कॉपी कर लीजिए, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें बच्चे, कर लिया। चलो अब देखो, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 8 टू द पावर 3 का मतलब 8 इंटू 3 मत कर देना, 8 रेस्ट टू द पावर 3 का मतलब होता है 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन में 5 रेस्ट टू द पावर 3 का मतलब 5 इंटू 3 मत कर देना, इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है। अब सुनो, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, सिंप्लीफाई करना था ना आपको, 8 इंटू 8 कितना होता है 64, और फिर क्या बचेगा, ये वाला 8 ऐसे ही बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, और इंटू में ये वाला 5 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कहाँ करें, यहाँ कर दें, समझ जाओगे। वैसे तो आप कर लोगे 512 आएगा, 8 4 दा 32, 3 8 6 दा 48, 48 प्लस 3 क्या होता है 51, ये लो कितना आ जाएगा 512। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 512, और डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5, आपकी जिम्मेदारी कर लेना 125 आ जाएगा, ये लो बच्चों। तो इस तरीके से जो आपका पार्ट टू का बच्चों जो आंसर है वो कितना है 512 डिवाइडेड बाय 125, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका फाइनल आंसर, ये इसका पहला तरीका है। आइए मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताता हूं, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लें फटाफट, वीडियो पॉज करके बच्चे, ओके नोट कर लें। नाउ अब देखिए जरा, अब इसका सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड देखिए स्टूडेंट्स, देखिए इसी क्वेश्चन को सेकेंड तरीके से कैसे करेंगे, सेकेंड मेथड से देखो, 5 बाय 8 टू द होल पावर माइनस 7 है इन टू 8 बाय 5 टू द होल पावर माइनस 4 है, सही है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से इस बार हम एक काम करते हैं, ये पावर इसको भी देंगे, इसको भी देंगे। भाई अभी तो मैंने आपको बताया था क्या कि a बाय बी टू द होल पावर m अगर हो तो ये पावर इसको भी मिलती है, इसको मिलती है, यानी कि 8 द पावर m बाय b टू द पावर m होता है, सही है। तो यहां से आप क्या करोगे, पिछली बार हमने क्या किया था, इसको रेसिप्रोकल कर दिया था 8 बाय 5 और पावर पॉजिटिव कर दी थी, वो नहीं कर रहे हैं, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 5 रेज टू द पावर क्या आ जाएगा माइनस 7, और अपॉन में 8 रेज टू द पावर माइनस 7, और इंटू लगाए, इंटू लगा देंगे, ये पावर इसको दोगे, इसको दोगे, तो 8 टू द पावर माइनस 4, ठीक, 8 रेज टू द पावर माइनस 4 और बाय 5 रेज टू द पावर माइनस 4, ओके। कुछ नहीं करना है, देखो एक बात बताऊं, अगर ऐसा लिखा है कहीं a बाय बी इंटू सी बाय डी अगर लिखा है ना भाई, कुछ नहीं है, एक के नीचे d ले आओ, फर्क पड़ता नहीं है, इंटू में c के नीचे b ले आओ, फर्क पड़ता नहीं है, ठीक, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, मतलब b की जगह d, d की जगह b, तो यहां से हम यही काम करेंगे, b की जगह d, d की जगह b, मतलब समझो 5 रेज टू द पावर माइनस 7 अपॉन में इसको उठा के यहां लिख दिया, इसको उठा के यहां, यानी कि 5 टू द पावर माइनस 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, 8 रेज टू द पावर माइनस 4 बाय 8 रेज टू द पावर माइनस 7, ये लो। ऐसा क्यों किया, ताकि इन दोनों में हम लॉ लगा दें और इन दोनों में हम लॉ लगा दें, कौन सा लॉ वह मैं आपको बताता हूँ, पहले वीडियो पॉज करके इतना कॉपी कर लें बच्चे, से भी कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ा हुआ है 8 द पावर m बाय 8 द पावर n, यानी कि बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, 8 द पावर m माइनस n होता है, ठीक, तो यही काम आप यहाँ पे कर लो, ये क्या हो जाएगा बताओ, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट, यानी कि 5 टू द पावर माइनस 7 था और इसमें माइनस करेंगे माइनस 4, चेक कर लीजिए 5 टू द पावर माइनस 7, माइनस 7 भाई ये m है, और माइनस माइनस 4 करेंगे, ठीक, इंटू में ये वाला इंटू हमने कॉपी किया, इंटू और 8 टू द पावर क्या हो जाएगा बताओ माइनस 4 माइनस माइनस 7, ये लो भाई m माइनस n, 8 a की बार m बाई a की बार n, a की बार m माइनस n, a की जगह क्या आएगा 8 और m की जगह क्या आएगा माइनस 4 और n की जगह क्या आएगा माइनस 7, ठीक, ये m है, ये m है और फिर माइनस और ये n है, ठीक,
ये एम है और फिर माइनस है और ये एन है, ठीक। चलो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, देखिए 5 रेज टू द पावर -7 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इनटू में 8 रेज टू द पावर -4, माइनस माइनस प्लस, ठीक। नाउ अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर, अब देखो -7 + 4 कितना होता है -3, भाई चेक करो ना, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 7 - 4 = 3, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का 7 का, है ना, नेगेटिव। तो 5 रेज टू द पावर -3 इनटू में 8 की पावर -4 + 7 कितना होता है 8 टू द पावर 3 हो जाएगा, क्यों, 7 पॉजिटिव है नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि प्लस है 7 तो प्लस का 3 आएगा, ठीक। ये हो गया, अब इसको हम फर्दर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां तक आप पहुंच गए 5 रेज टू द पावर -3 इनटू 8 रेज टू द पावर 3, अब इसको ब्रैकेट में ऐसा लिख लो दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, 8 द पावर -m को आप क्या लिखते हो, 1/8 द पावर m, तो बताओ 5 द पावर -3 को आप क्या लिखोगे, 1/5 द पावर 3, सही है। तो इसकी जगह आपने ये वाला लॉ लगाया, ये वाला, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/5 रेज टू द पावर क्या होगा 3, और इंटू में क्या है 8 टू द पावर 3। अब बच्चों ध्यान सुनो, ये 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 × 8 टू द पावर 3, इसका यही तो मतलब है 1 × 8 रेज टू द पावर 3/5 रेज टू द पावर 3। अब सुनो 1 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करता है तो वापस वही नंबर आता है, तो 1 × 8 रेज टू द पावर 3, 8 रेज टू द पावर 3 हो गया, अब 5 टू द पावर 3 हो गया, जो पहले आया था वही अभी भी तो आया है, चेक कर लीजिए, ठीक। 8 रेज टू द पावर 3 का मतलब 8 × 8 × 8 होता है, और अपॉन में 5 रेज टू द पावर 3 का मतलब 5 × 5 × 5 होता है, और 8 × 8 × 8 मैंने आपको करके दिखाया था 512, 512 और नीचे 5 × 5 × 5 = 125, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए 512 / 125, ओके।